मित्रों गुड मॉर्निंग। आज के विश्व में, इस समाज में, इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की दौड़ में, कॉर्पोरेट कल्चर में, पॉलिटिकल सिस्टम में सबसे बड़ी कमी यह है कि हम राइट आदमी का सही जगह प्रयोग नहीं कर, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटेंट पर्सन अवेलेबल इज नॉट पॉसिबल। इवन अमेरिका इज नॉट एबल टू इलेक्ट द मोस्ट डिजर्विंग सिटीजन ऑफ टेक। So is in our country also। तो चिंतन का विषय ये होना चाहिए, शोध का विषय ये होना चाहिए कि हम कैसे ये डिवाइस पैदा करें, कैसे ये मैकेनिज्म तैयार करें कि हम अवेलेबल रिसोर्सेज में, अवेलेबल सेगमेंट में कौन किस क्षेत्र का विशेषज्ञ है या कौन किस क्षेत्र में सबसे अच्छी सेवाएं दे सकता है, इसको चिन्हित कर सके। मेरे विचार से ही संभव है। और लोकपाल ऐप के माध्यम से आप जैसे आपको कोई और नाम भी दे सकते, ये डाटा ड्रिवन बेस ऐप होगा जिसमें प्रत्येक व्यक्ति विशेष के डेट ऑफ बर्थ हो, उसका एजुकेशन हो, उसकी एकेडमिक या प्रोफेशनल परफॉर्मेंस हो, हर साल जो उसकी रेटिंग रही हो, हर साल जो उसके अचीवमेंट रहे हों, उसकी फाइनेंशियल स्टेटस हो, उसकी हेल्थ इश्यूज हों, उसकी सक्सेस रेट हो, उसका की एस्ट्रोलॉजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि यदि आपके ऑराज बैलेंस नहीं है, सेवन चक्राज आपके बैलेंस नहीं हैं, जो कि सीधी तरह से आपके प्लैनेट पोजीशन से जाने जा सकते हैं। अब प्रॉब्लम यही है कि इस डाटा की फीडिंग किस तरह से होगी, डाटा की करेक्टनेस कैसे आएगी। आज की तारीख में डेट ऑफ बर्थ गलत लिखी हुई होती है, समय और टाइम ऑफ बर्थ का ठीक से पता नहीं होता है। तो मेरा मानना है इन कंपोनेंट्स को डाइल्यूट किया जा सकता है। डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। अब जैसे आपका आधार है, मेरा मानना यह है कि सिर्फ एक आधार नंबर ही काफ़ी होना चाहिए जिससे आपको पता लग सके कि आपका पासपोर्ट नंबर क्या है, और पासपोर्ट नंबर भी सरकार अगर जानना चाहेगी तो पता लगेगी, सरकार जानना चाहेगी तो आपकी डेट ऑफ बर्थ पता लगेगा, सरकार जानना चाहेगी तो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में पता हो। ये जो हैकिंग हो रही है डाटा प्राइवेसी के नाम पर, डाटा जो शेयर नहीं किया जा रहा है, हर आदमी इस बात से चिंतित है कि सब हमारी प्राइवेसी क्यों हुआ की जा रही। हमारा कहना यह है कि जब ऊपर से आप नीचे भेजे गए थे तो आप कुछ लेकर नहीं आए थे, आपका कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है, जो कुछ भी आप बने हैं वो इस दुनिया में आने के बाद बने हैं,
और आपका सब कुछ तन मन धन इस संसार का ही है। हाँ, इसमें इस बात की तो जरूर आवश्यकता है कि आपके डाटा का मिसयूज ना हो। तो डाटा मिसयूज नहीं होगा क्योंकि तमाम एजेंसी, तमाम पढ़े लिखे विद्वान, तमाम इंजीनियर्स, एक्सपर्ट इस चीज़ में लगे हुए हैं कि डाटा की हैकिंग कोई ना कर सके। और एक तरीका ये भी है, जैसे मैंने कहा कि जब आधार एक नंबर होगा जो आपकी आइडेंटिटी, आपके फिंगरप्रिंट्स, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस के माध्यम से आपको सर्टिफाई करेगा, तो फिर इस बात की चिंता क्यों करते हैं कि सब हम ई वोटिंग नहीं आने देंगे। अब सोसाइटीज़ में प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो लोग सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव बॉडी में आ जाते हैं वो दादागिरी करते हैं, सुनते नहीं, मिसयूज ऑफ फंड्स करते हैं, बिल्डर्स को सपोर्ट करते हैं। मेरा मानना ये है कि एग्जीक्यूटिव बॉडी ऐसी बनाइए 10 की, जिसमें हर एग्जीक्यूटिव मेंबर की बराबर की पावर हो, हर एक को वीटो पावर हो। आप या तो 10 के 10 को समझाइए, एक मत होइए और डिसीजन लीजिए। अगर एक आदमी भी चैलेंज करता है, वीटो करता है, तो ओपन फोरम में जाइए। ओपन फोरम में जाके जो भी आपकी सदस्य हैं सोसाइटी के, जो भी फ्लैट ओनर्स हैं, उनसे वोट कराइए। और वोटिंग परसेंटेज अगर 50% से कम आता है या 66% से कम आता है तो दूसरी डेट के लिए एक्सटेंड करिए, तीसरी करिए, चौथे की करिए। और एक महीने बाद भी अगर अपना वोट मत रेजिडेंट्स या फ्लैट्स ओनर नहीं डालें तो जो वोट डाले हैं उसी पे डिसीजन ले लीजिए। तो बहुत सारी समस्याओं का, आपसी सोशल रिलेशनशिप का काफ़ी सुधार हुआ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।